मैं सबसे पहले पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को पूरा किया है और जैसा कि बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा और अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा कि अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है इस वर्ष मार्च महीने से ये कोरोना का, उसके चलते और कई स्थानों पर जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके चलते कुछ काम में विलंब आया है और वो भी काम हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब स्थिति में काम कर रहे हैं। और कोई मामूली बात नहीं है कि जब उन दिनों लॉकडाउन में बहुत सारे काम बंद कर दिए गए थे फिर 20 अप्रैल से काम की शुरुआत की गई तो अंततोगत्वा उसमें सड़क का और बाकी जगहों का भी काम शुरू हुआ है। तो आपके कई जो काम अंतिम चरण पर थे उसको आप पूरा करने में कामयाब हुए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आज 119 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है जिसकी लागत है 3,516 करोड़ रुपया और लंबाई है 594 करोड़ रुपया। और अब नई कुछ योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं आप, जिसका शिलान्यास हुआ है, कार्यारंभ हुआ है, करीब 158 योजनाएं हैं। ये कुछ बिहार राज्य पुल निगम के द्वारा कार्यान्वित हो रही 56 योजनाएं और पथ विकास निगम द्वारा कार्यान्वित हो रही 3 योजनाएं, यानी कुल मिलाकर के 217 योजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण एक साथ कर रहे हैं। तो यानी लोकार्पण तो 119 योजनाओं का है लेकिन 98 योजनाओं का कार्यारंभ जो किया जा रहा है और जिसका कार्यारंभ आपने करवाया है उसकी अनुमानित लागत 1506 करोड़ रुपया और लंबाई 600 किलोमीटर है। तो उद्घाटन भी और शिलान्यास शुभारंभ भी आज किया गया है, तो इसके लिए बहुत बधाई है। और जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने बता दिया कि अरे पहले क्या होता था, सड़क कहाँ बनता था, आजकल तो हम देख रहे हैं कि जिसको कोई आइडिया नहीं है किसी चीज़ का क्या क्या बोलता रहता, सड़कों की क्या स्थिति हुई। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला 2005 में तो हम सब लोगों ने मिल करके क्या क्या निर्णय लिया, हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। एक तो कानून का राज कायम किया सबसे पहले, और इसके बाद याद है ना लोगों को होली के दिन क्या स्थिति होती थी, और तब उस साल सब चिंता में पड़े हुए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब लोगों को चिंता था कि कहीं कुछ होगा, तो अंत में जब सबको लगा कि बहुत अच्छा आज हो गया, यानी 2006 की बात हम कह रहे हैं, 5 में हम लोगों को 24 नवंबर को काम करना, हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ और तब से काम करना, तो सब कानून का राज कायम किया। और एक एक चीज जो हम लोगों ने किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, क्या स्थिति थी पहले उसके लिए कितना काम हुआ, और उसके साथ साथ विकास, जिसमें जो हम लोगों ने सड़कों का काम शुरू किया और कितने पुल पुलिया का निर्माण किया गया। हम तो कहेंगे पथ निर्माण विभाग को कि जरा 2005 तक की जो स्थिति थी, अब लंबाई के हिसाब से सिर्फ मत जाइए, अब लंबाई तो मान लीजिए कुछ बना हुआ था पहले से पथ निर्माण की, लेकिन वो कैसा पथ बना हुआ था, आपने उस पथ को दुरुस्त किया, आपने उस पथ का चौड़ीकरण किया, और उसके बाद जो स्थिति आई है, और 3 फेज में कितना काम हुआ, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से आज 20 के बीच में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, और अब पुलों का जितनी बड़ी संख्या में निर्माण हुआ, पुल पुलिया का, ये सब के सामने अब समस्या और कुछ नहीं है। जो 15 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग यही बोलता है कि 5 से 10 तक तो काम हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो कोई आइडिया नहीं। जो काम 5 से 10 तक किया वो शुरुआत थी, 10 से 15 के बीच में और बढ़ा, 15 से 20 के बीच में और बढ़ा, लेकिन इसका किसी को कोई आइडिया नहीं, और आइडिया अगर है भी तो कोई इधर से उधर करना चाहता। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा
कि भाई 15 साल हो गया ना, तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं अब उस बेचारे को उस समय जो 3 साल था उसको क्या है उस समय का आइडिया, और आज अब 18 साल हो गया वोटर भी बन जाएगा। तो इसलिए इस बातों की चर्चा हम तो यही कहेंगे, हमने पथ निर्माण विभाग में इतना काम हुआ है और आप नेतृत्व करिए और ग्रामीण कार्य विभाग भी करे, कितना रोड बना है और पहले क्या स्थिति थी साहब, इससे कितना गांव के लोगों को, रहने वालों को, शहर में भी रहने वालों, कितना व्यापार बढ़ा है जरा बताइए। और जगह के व्यापार को आप चर्चा जितनी करना हो करिएगा, वक्त लगेगा, लेकिन जरा पटना का ही देख लीजिए तो क्या हालत था पटना का, शाम होने के बाद कितना जगह पर अंधेरा रहता था सड़कों के किनारे ही। ये जो कंकड़बाग का पुराना बाईपास अब तो मुख्य सड़क है, बताइए कोई कुछ रहता था, और क्या स्थिति हुई है, कितना व्यापार बढ़ा है। तो ये व्यापार बढ़ा है तो उसकी सुविधा हुई ना, एक तो कानून की स्थिति, कानून राज कायम हुआ, और दूसरा ये जो सुविधा हम लोगों ने सड़कों के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और सब चीज के माध्यम से देना शुरू किया, जिसके चलते आज कितना व्यापार हुआ। पहले कितनी गाड़ियां लोग लेते थे और आज बताइए कितनी गाड़ियां खरीदी जा रही अगर सड़क का निर्माण नहीं होता, और कितने पुल का निर्माण हुआ। और अब तो हम लोगों ने तय कर दिया कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ेंगे, और लगभग जुड़ रहा ग्रामीण इलाकों का भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब कुल लक्षित जो 115,228 किलोमीटर है उसके विरुद्ध 96,417 किलोमीटर निर्माण हो चुका है। और अगर देख लीजिए तो 2006 तक पांच तक 835 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया था। कैसे गांव से आते थे भाई, हम तो बराबर कहते हैं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, और क्या स्थिति रहती है हम तो बराबर लोगों को बताते हैं। हम अपने क्षेत्र में घूमते थे, आज जरा सा जितने एमएलए और एमपी हैं सबसे पूछ लीजिए, हम जब क्षेत्र में घूमते थे तो एक दिन कम से कम 12 किलोमीटर पैदल चलते थे, और वो जीवन में हम भूल नहीं पाते हैं कि एक दिन अपने क्षेत्र में हमको 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। तो व्यक्तिगत तो हम लोगों का अनुभव है, जरा पूछ लीजिए, कुछ पुराने लोग हैं वो बता सकते हैं। अब आजकल लोगों को जितनी सड़कें बन गई, किस तरह से हुआ, हम लोग कहां तक जाते थे, गाड़ी कहां तक चलती थी। हम तो जहां के एमपी थे उस इलाके में करीब करीब 30-35% एरिया तक ही किसी भी प्रकार से कोई ना कोई गाड़ी से जा सकते थे, और बाकी कहीं भी नहीं, बाकी सब पैदल। और आज कोई स्थिति है, आज कितनी पैदल सड़कें बन गई। अब तो गांव-गांव में सड़क बनता जा रहा है तो अब डिमांड हो रहा है कि जरा इधर से भी जोड़िए, जरा उधर से भी जोड़िए। हमारे विधायक गण आते हैं बताने के लिए, एमएलसी लोग आएंगे, अन्य जनप्रतिनिधि आते हैं, हम सबको बताते हैं कि भाई एक बार ये एक एक गांव जुड़ जाएगा, इसके बाद तो हम लोग अगले बार फिर मौका देगी बिहार की जनता काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से सड़कों के बारे में तो और करेंगे। पथ निर्माण की सड़कें थी तो हम लोगों का पहला लक्ष्य क्या था कि हम इतनी सड़कों का निर्माण और इतना बेहतर ढंग से पुलों का निर्माण करेंगे कि बिहार के दूर दरस्त इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा नहीं लगे। और अब बताइए लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तब हम लोगों ने इस कार्यकाल में कर दिया कि यह 5 घंटा होगा। अब आप सोच लीजिए उसके लिए काम हो रहा, कितनी सड़कों का विस्तार हो रहा, और अभी तो हम लोगों ने जो काम किया है वो तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ आगे अब तो हर जिला का जितना मुख्यालय है बाईपास बनाना, लेकिन इसके बाद और भी सोच करके जितनी जगहों पर लोगों को असुविधा न हो बाईपास बनाना होगा, आगे के टेनियर में हम लोग करेंगे। और ग्रामीण इलाकों में जितना और भी लोगों को एक दूसरे से और कनेक्ट करने के लिए सड़क बनाना पड़ेगा तो उसके बारे में सोचेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया और हम विभाग को चाहेंगे कि इस पर सोच लीजिए कि इसके आगे और कहां कहां जाना, तो हम लोग करेंगे। अब जिस तरह से पहुंच रही कोई मामूली बात है,
कि आप जरा सोच लीजिए कि किशनगंज के किसी इलाके से चल करके और पटना आप पहुंच जाइएगा 5 घंटे के अंदर, या कहीं भी इधर वाल्मीकि नगर के इलाके से चल करके यहाँ पर 5 घंटे में पहुंच जाइए, या कहीं भी सोच लीजिए, और कहीं दक्षिण बिहार वाला तो कोना है, उतना दूर नहीं है, लेकिन सड़कें कहाँ थी, कितना समय लगता था, बांका वगैरह के किसी इलाके में जाने में क्या लगता था, क्या असुविधा थी कहीं कहीं जाने में, तब वो असुविधा से छुटकारा मिला और इतनी सड़कें बन रही। और अब हम लोगों ने क्या किया, सड़कें तो बना ही रहे अब, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने मेंटेनेंस पॉलिसी बना दिया कि सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं करेंगे और उसके साथ साथ पुलों का भी, सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि उसका मेंटेनेंस भी ठीक ढंग से होता रहे। अब उसकी पॉलिसी बन गई है, आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। ओपीआरएमसी पहले 5 घंटा का लगा था, करीब करीब 9000 किलोमीटर से थोड़ा सा कम था, अभी तो आपका ये 7 साल का कर दिया आप लोगों ने, अब वो हो गया है करीब 13000 किलोमीटर। हमने कहा ये तो हो ही गया है, लेकिन हमारी जितनी सड़कें पथ निर्माण की, ये सभी सड़कों का मेंटेनेंस होना चाहिए। और पहले बहुत सारा कुछ होता था, मेंटेनेंस कुछ करना है तो भाई सड़क खराब हो गया तब उसका एस्टीमेट बनेगा और उसके बाद उसका टेंडर होगा। हमने कहा कि इस पॉलिसी को बदल करके सीधे डायरेक्ट मेंटेनेंस करना ये डिपार्टमेंट का काम, हम सिर्फ निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने का क्या मतलब, कई जगहों पर देखा हम लोगों ने सड़क का निर्माण कर दिया, वो सड़क खराब हो गया तो उसको दोबारा बनाने के लिए कर रहे। अरे भाई सड़क का जब निर्माण हो गया तो हम उसका रेगुलर मेंटेनेंस करें, और वो सबसे जरूरी चीज है। तो ये पॉलिसी जो अब एक बन गई, अब उसके हिसाब से, और सिर्फ पथ निर्माण नहीं, ये रूरल सड़कों के लिए भी वही चीज हुआ। हालांकि पथ निर्माण विभाग की सड़कों में ज्यादा यातायात है, उनको तो और ध्यान देखना है, लेकिन अब गांव में भी देखिए अब यातायात बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात है, मेंटेनेंस के अलावे जो दुर्घटनाएं होती रही हैं उस पर भी कितना आप लोगों ने काम किया है, और दुर्घटना को देखते हुए एरिया चिन्हित किया है, कौन ऐसी सड़कें हैं जहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, अब उसको हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी पॉलिसी 2 साल पहले इस पर जितना चिंतन करके सब कुछ कर दिया है। तो अब सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भी सारे चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है, और आरओबी के निर्माण पर भी, रोड ओवर ब्रिज, रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनता है। अब उसके लिए जो मुझे खुशी हुई है कि 34 आरओबी का निर्माण तो पूरा हो गया है, अब 58 स्थानों पर चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग का डीपीआर अब राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और पथ विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस काम को तेजी से कीजिए ताकि लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, और हम तो भाई जाते रहते हैं। अभी हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनको लगता होगा कि कहीं हम बाहर निकल गए और सड़क पर जा रहे हैं, तो कितना बार इनको फोन करते हैं कि भाई जरा देखिए इस सड़क का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। अभी एक दिन हम घूम चले गए थे इसमें बाढ़ वाले इलाके में, तो वहां से हम इनको फोन करना चाह रहे थे, इनका फोन लगा नहीं, उस दिन डिस्कनेक्ट था इनका फोन, जाए जो भी कारण था नहीं था, हम कुछ जानना चाहते थे, हम कोई शिकायत के लिए नहीं फोन कर रहे थे। हम वहां पर पहुंचे हुए थे तो बाकी तो हम फ्लड का देख ही रहे थे, लेकिन साथ साथ सड़क को देखने पर भी, तो कहीं भी जाते हैं रूरल रोड एरिया में भी, तो सड़क बने ठीक बने, और इसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, पुल बने ठीक बने लेकिन उसका मेंटेनेंस भी साथ साथ हो। और अभी तो आप लोगों ने काम काफ़ी किया है, अगर हम पहले 10 ईयर में देखें तो 6735 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और बृहद जिला पथों का निर्माण किया गया और उसका उन्नयन कराया गया, यानी पथ है तो उसका चौड़ीकरण, उसको बेहतर, पहले से खराब है, टूटा फूटा हुआ तो उसको दुरुस्त करना, तो जो भी उन्नयन किया। और फिर दूसरे 10 ईयर में हम लोगों का, आप लोगों ने किया है 9913 किलोमीटर, और अब तीसरे 10 ईयर में किया है 10287 किलोमीटर। अब आप बताइए, ये लोगों को अगर आप बताइएगा नहीं तो नई पीढ़ी के लोग जो हैं उनको बेचारे क्या मालूम है। और आप जानते हैं इधर 7-8 साल से चल गया है सोशल मीडिया, अभी तो सब जो
हमारे मित्र हैं जो भी सब लोग हैं, सब लोगों को मालूम है आजकल कितना ज्यादा यूज करते रहते हैं मोबाइल का, व्हाट्सएप पर काम करते हैं, कई तरह से काम करते रहते हैं, और इन दिनों तो मान लीजिए कि क्या क्या मैसेजिंग करते रहते हैं लोग फोन पर इसी पर, और क्या क्या लिखते रहते हैं, कुछ नहीं जानता घर बैठा हुआ। आई तो हमको पता है ये सोशल मीडिया में, ये नाम है इसका सोशल मीडिया, कुछ तो अच्छा काम करता है लेकिन कुछ अनसोशल काम करता है, तो उल्टा पुल्टा प्रचार, किसी को मालूम नहीं। और आजकल तो देखेगा घर में बैठा रहता है, घर में एक दूसरे से नहीं बात करता, आजकल सब अपना मोबाइल ही पर काम करते रहता है। अभी तो हम यहां पर देखे यहीं से, अब हमारे मित्र हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनको भी हम देखे मोबाइले पर अब कर रहे हैं। तो कोई रहता है सबका सब ऑल द टाइम यही करते रहता है, तो अब उसको देखिए उसी के माध्यम से न जाने क्या क्या दुष्प्रचार चलता रहता है। कोई बता देगा कि काम नहीं हुआ, आश्चर्य की बात है। तो ये तो फर्ज बनता है, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई राजनीतिक कारण से कोई कुछ करता, हम उसके लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक के बीच में और नई पीढ़ी के लोगों को आपने जो काम किया, एक एक चीज, हमारे मुख्य सचिव यहां पर बैठे हुए हैं, एक एक चीज नई पीढ़ी को भेजिए। और आज सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव क्यों हम यहां पर बैठे हैं, इसलिए कहेंगे कि आप लोग अपने माध्यम से, और ये जो, और देखिए जो प्रिंट वगैरह में नहीं उस तरह से आता है कुछ खास, ऐसी बातें उतनी ज्यादा नहीं छपती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी वो सब उतना ज्यादा नहीं रहता, कुछ ही रहता, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है इसी के माध्यम से, और घर में भी बैठा हुआ लोग तो उसी पर ज्यादा व्यस्त रहता है। अब पता नहीं लोगों को गलतफहमी हो जाए, तो इसको दूर करने के लिए एक एक चीज का, हम ये नहीं कहते हैं किसी का उत्तर हम लोगों को देना है, हम लोगों ने जो काम किया है और रोड में जितना काम किया और जितना खर्च किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितना खर्च किया है हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने किया है वो अलग है, हम लोगों ने अपनी तरफ से कितना खर्च किया है, केंद्र सरकार का जो सहयोग नेशनल हाईवे के लिए मिला, एनएचएआई के लिए मिला, बहुत ज्यादा मिला है, बहुत सड़कों को उन्होंने एनएचएआई में लिया है और उसके लिए काम हो रहा है, फिर बहुत सारे पुलों का निर्माण हो उनके द्वारा भी हो रहा है, वह तो अलग और एक पक्ष है। हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ही जितना सड़क पर काम किया गया और जितना मेंटेनेंस की पॉलिसी, और अब तो मेंटेनेंस की पॉलिसी को जोड़ दिया हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून में, अगर कोई कहीं शिकायत करेगा तो न सिर्फ उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा बल्कि इसके जांच में जो पता चलेगा लोक शिकायत निवारण अधिकारी को कि इसमें जो काम करना था वो काम नहीं किया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब जब हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बना दी है तो ये सब काम तो अब हम लोगों की तरफ से चलेगा ही। और आज आप लोगों ने बहुत सड़कों का किया है, अब किसी एक के बारे में क्या चर्चा किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि आप दो जगह का दिखला रहे थे, एक पुल का बंगरा घाट पुल का, आप बताइए अभी तो हाल ही में ना दूसरा है वो जो पुल है 70 घाट पुल, इसका कब करवाए थे आप उद्घाटन? अभी 16 जून को कराए, हाँ लिखा हुआ है कागज हमको भेजे, 16 जून को हम लोगों ने 70 घाट पुल का कर दिया। ये 70 घाट पुल पहले से था, इसका शिलान्यास हुआ था 70 घाट का 20 अप्रैल को 12 में, और उद्घाटन हुआ 16/6 को इस साल। और गंडक नदी का दूसरा जो ये है बंगरा घाट जिसका आज चर्चा कर रहे हैं, इसका हुआ शिलान्यास 8/14 को और आज उद्घाटन करवा रहे हैं। अब दोनों में दूरी कितना ज्यादा, बहुत कम है। अभी तो जो हमको ये मंजीत जी होंगे इसी में, ये उस समय एमएलए थे, हम कोई और कार्यक्रम में गए, ये लोग इतना ना डिमांड, और वहाँ के पब्लिक लोग इतना खड़े लगे नारा लगाने कि ये करवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने 70 घाट पुल का कर दिया था शुरुआत। तो जब हम वहाँ गए हैं तो खूब इन लोगों ने किया है, तो हम कहा भाई बनेगा, अब बनेगा, जब बनना शुरू हुआ तो हमने देखे अगल बगल में ही है, तो आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम हो गया आज पुल का। और वहां पर देख रहे हैं बंगरा घाट ब्रिज के लिए लोग भी खूब है,
अब बंगरा घाट पुल में हम देख रहे हैं कि लोग खड़े हैं, मास्क तो हमको लगाया हुआ दिख रहा है, लेकिन आदमी बहुत है भाई आज की स्थिति में। तो आजकल तो सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम कम किया जाता है और इसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा, लेकिन हम निरंतर देख रहे हैं लोगों का आना जाना बहुत हो रहा है, यानी सबको कितनी प्रसन्नता और खुशी हो रही है। जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हों तो अलग हैं, वो उस समय आप लोग उनको दिखवा रहे थे और डीएम से कुछ बात कहवाए, लेकिन हम बाहर जो देख रहे हैं बंगरा घाट ब्रिज के इर्द गिर्द, जो यहीं पर आ रहा है तस्वीर आ रहा है, सब लोग देख रहे होंगे, तब बंगरा घाट पुल भी बन गया। अब कितना पुल हम लोग बनवा रहे हैं कोई साधारण बात थोड़ी है, चारों तरफ से अब उसकी चर्चा कितनी की जाए। अब जो भी हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तरफ से किया, अब केंद्र के तरफ से भी हो रहा है, गंगा नदी पर कितना हम लोगों ने राज्य सरकार से, अभी बोलिए कच्ची दरगाह से बिदपुर 6 लेन का पुल बन रहा है राज्य सरकार की तरफ से, बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन का पुल, अगवानी घाट से सुल्तानगंज के बीच में नया पुल, अब उसके अलावे राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से कई पुलों के समानांतर पुलों का निर्माण हो रहा, जिसकी चर्चा तो अभी जब अभी कुछ ही दिन पहले संभवतः 31 तारीख को जो केंद्रीय मंत्री कर रहे थे उसमें इन सब बातों पर चर्चा हुई, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों की तरफ से भी काफी पुलों का निर्माण हुआ। अब गंडक नदी पर कितना सेतु बन गया, अब जरा देख लीजिए, जो ये धनहा रतवल पुल है, हम आपको याद करा देते हैं, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसका नामकरण हमने किया था गौतम बुद्ध सेतु, भूल गया पथ निर्माण विभाग, आज तक नहीं लिखा गौतम बुद्ध पथ सेतु। और कारण है बताएं आपको, जब इसका जो हम लोग किए थे जिस दिन इसका शिलान्यास जो हुआ था गौतम बुद्ध का, 2009 में हम यात्रा पर निकले थे, विकास यात्रा पर, और उस विकास यात्रा में पहला पुल का उद्घाटन हुआ था ये गोपालगंज साइड में, जो बेतिया और गोपालगंज के बीच में गंडक नदी पर, और रात में हम उस दूसरे एरिया यहाँ पर रहे चंपारण में, और फिर मॉर्निंग में निकल करके वहाँ गए, और जब देखा वहाँ पर का एक एक चीज, और वहाँ पर ये पता चला कि भगवान बुद्ध अपने अंतिम चरण में उसी एरिया से गुजरे थे, ये सब लोगों ने वहाँ बताया कि भगवान बुद्ध इस इलाके से गुजरे और उनको कोई गलत चीज खिला दिया, उसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई, और बाद में वही यूपी दूर नहीं है, पास में है, वहीं पर तो सबको मालूम है कि उनकी अंत में मृत्यु भी हो गई। तो ये रास्ता जाने का, उनका अंतिम रास्ता गुजरने का था ये वहाँ पर, ऐसे तो लोग बताते ही रहे कि वो रूट उनका जाने का था, लेकिन जब पता चला वहाँ पर कि यही रूट है, तो उसी दिन हमने कहा कि भाई तब तो इसको हम लोगों को याद करेंगे गौतम बुद्ध सेतु के रूप में, तो हम आग्रह करेंगे कि भाई सब जगह गौतम बुद्ध सेतु लिखवा दीजिए। क्योंकि कल मेरे पास आया कागज तो हमने देख करके कहा कि हमने कहा इसका नाम गौतम बुद्ध सेतु नहीं लिखे हैं, तब इनको फोन किया गया तो इन्होंने पुराना अपना दिखा करके देखा होगा तो भाई उस समय था। तो ये सब चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कई चीजें, बहुत चीजें हम लोग बना दिए। अब सोन नदी पर कितना ब्रिज बना, कोसी नदी पर कितना ब्रिज बना, और अब तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कई ब्रिज, अब गंगा नदी पर कितना ब्रिज बनने वाला, पैरेलल हम लोग बना दिए, अब उसके पैरेलल बनने वाला, तो कितने ब्रिज बनने वाले। तो कई जगहों पर हम लोगों ने जो काम किया है, और अब केंद्र की तरफ से भी इस क्षेत्र में मदद मिल रही है, तो आप बता दीजिए, सोच लीजिए कि अब क्या स्थिति होगी। जो हम लोगों का लक्ष्य 5 घंटे का, इसको तो जरूर हम लोग प्राप्त करने में कामयाब होंगे, लेकिन अब किसी तरह से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम, मेंटेनेंस के लिए भी रोकने के लिए काम, हम सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। और कितना अच्छा है भाई, आप लोगों का तो एकदम कार्यक्रम फरवरी में हो गया 70 घाट का, फिर 31 तारीख को कार्यक्रम हो गया केंद्र का, गांधी सेतु जो उसमें उसका एक हिस्सा जो बन करके तैयार हुआ, उसका टॉप लेवल पर अलग करके बनाया गया, स्टील स्ट्रक्चर जो हुआ है वो उसका हो गया, फिर अभी 9 तारीख को आपका एक हो गया, और आज हो गया, और जैसा माननीय पथ निर्माण मंत्री जी कह रहे
कि हम लोगों को जो चुनाव का होगा लगता है उसके पहले एक आध राउंड और जगह का उद्घाटन ये करवा लेंगे, तो ये कोई साधारण बात है? और इन बातों को लोगों तक अगर नहीं बताइएगा कि कितना काम हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है नई पीढ़ी को। और हम तो आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि भाई ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं इनको मालूम नहीं है पुराने इंजीनियर्स को, और उस समय की तस्वीरें आपके पास नहीं रहती थी, आप अपने रिकॉर्ड से निकालिए पुरानी तस्वीरों को जो वहां के जगह जगह के सड़कों का है, मुख्य सचिव जी भी यहां पर है, जरा उन सड़कों का तस्वीर निकालिए। और हम तो कहेंगे यहां पर बैठे हुए हैं हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, जरा इसको एक एक चीज को आप चलवाइए, पहले क्या था अब क्या है। आई नया जो मोबाइल देख रहा है, कम उम्र के ही लोग ही ज्यादा देख रहे हैं, जब तक देखेंगे नहीं तो सच्चाई जानेंगे कैसे कि कितना काम हुआ। और उसके साथ साथ यह भी दीजिए, डेली बताइए और कहिए कि कितना काम हम लोग और करने वाले हैं, कहां पहुंचाने वाले हैं, किस जगह पर ले जाने वाले हैं, कहीं पर अगर कोई कमी हुई है तो कैसे उसको हम और ऊंचा करेंगे और उसका चौड़ीकरण करेंगे। तो इस सब चीजों के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में भी और जगह जगह के बारे में उसका तस्वीर दिखाइए, पहले की तस्वीर दिखाइए और आज की तस्वीर दिखाइए। तो नई पीढ़ी का जानना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी के कोई एक एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आज तो हम लोग पथ निर्माण की बात कर रहे हैं, आज हम लोग क्यों हेल्थ की बात करें और एडुकेशन की बात करें, लेकिन नहीं होता। कई लोगों का क्या स्टेटमेंट आता है साहब, आप बताइए जो खतरा कोरोना का है ये कोई सरकार का है? आप जरा बताइए, दुनिया भर में कोरोना फैला है और तब भी कोई कुछ बोलते रहता। अरे भाई, इससे बचाने के लिए जितना काम हो रहा है, जो संभव है, जो भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है और जिस तरह से एक एक चीज काम कर रहे, तो किसी को कोई सेंस है? ये बताइए, ये कहिएगा क्या कि ये जो कोरोना हो गया तो इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है? ये पूरे दुनिया में फैला हुआ, सबसे अमीर और सबसे विकसित देश सबसे अधिक फैला हुआ है अमेरिका में, बताइए। वहां इतना रिसर्च, इतना साइंस, सब चीज के बाद भी अभी बताइए सबसे अधिक है। तो इंडिया में है तो उस पर चर्चा करेगा, और इंडिया में भी तो बहुत लोग जानबूझ करके बिहार में करेगा। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के साथ मीटिंग की और इस विषय को लेकर के एक एक बात हुआ। कितना हेल्थ की तरफ से जो भी काम करने की कोशिश और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है। ये हमारे यहां जब फ्लड आता है, देखिए एक बात बता देते हैं, ये जरा देखिएगा, आज तो नहीं है, जैसे कहीं पानी पड़ता है तो मुंबई में पानी पड़ेगा तो कहेगा कि नीचे के जगह पर पानी आ गया है, अब पटना में पानी आता है तो कहता है कि पूरा जगह पर पानी फैल गया। अरे यार, जो नीचे का जगह है तो वर्षा होगा तो नहीं होगा, जगह जगह का फोटो छपता है, कितना देख लीजिए यहां पर है, अभी वर्षा हो रही है तो ये वर्षा किसी के हाथ में है, रोक लेना। तो तरह तरह की बातें होती, इसलिए हम कहेंगे कि जरा अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। पहले जब कोई काम नहीं करते थे लोग तो भी कुछ नहीं बोलता था कोई, और अब हम लोग जब इतना काम कर रहे हैं, चाहे आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हो राहत के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एडुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और तब भी लोग तरह तरह की चर्चा करता। इसलिए हमारा अनुरोध है कि नई पीढ़ी को, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये बहुत सही बात बोले, और इसी के चलते हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बता देना बहुत आवश्यक है कि कितना काम हुआ है। और एक बात हम लोग और आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर बिहार की जनता आगे हम ही लोगों को काम करने का मौका देगी तो इतना हम लोग जरूर आश्वस्त करेंगे कि यह काम और ज्यादा बढ़ेगा, एक एक चीज और ज्यादा बढ़ेगा, हर चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो और ज्यादा विकास का काम होगा। हम लोगों ने अब तक जितनी जो भी वचन दिया है और जिसकी घोषणा की है उसको पूरा करने का कोशिश किया, और इसके आगे जो भी आवश्यक है वो काम हम करने की कोशिश करेंगे। सड़कें नहीं थी तो क्या होता था, गांव से तो कोई अनाज वगैरह बेच पाते थे कोई ठीक से?
आज स्थिति देखिए, जो हमने कहा कि पहले बाजार बढ़ा, उसी तरह से आप देखिए लोगों को कीमत बेहतर मिलने लगी है। पहले क्या कीमत मिलती थी, उठा करके कोई व्यापारी ले जाता था और वो कीमत मिलती थी। तो देखिए अब एक एक चीज जो हो रहा, अब एक एक जगह के लिए जो हम लोगों ने किया है, पढ़ने के लिए क्या स्थिति रहती थी, कहाँ जाता था निकल करके, आज कितनी संख्या में अब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों का काम है और इन सब चीजों में सड़क की बहुत बड़ी भूमिका। अभी जो आप लोगों ने शुरू किया राजेंद्र बाबू का को उद्धृत करके बताया कि सड़कों की क्या आवश्यकता है, और देख लीजिए सही मायने में कब वो बोले थे और कब सड़क बिहार में बन रहा। तो जैसे उनके बारे में बता रहे हैं बहुत अच्छा किए, इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को बताइए कि राजेंद्र बाबू बोले थे और अब देखिए कि बिहार में कितना काम हुआ है और कितना जगह तक हम लोगों ने सड़कों को पहुंचा दिया। तो मेरा आग्रह यही होगा और बाकी जो काम किए ही हुए हैं, और मैं तो एक ही अनुरोध करूंगा कि ये जो सब आप लोग जो काम कर रहे हैं ये काम करिए, लेकिन हम लोगों को तीन चीज़ों पर बहुत, एक तो जिला मुख्यालय का आप सोच ही लिए हैं और उसके लिए करीब करीब ज़्यादातर जिलों का आपने कर दिया, कुछ ही जिले 7 जिला मुख्यालय मुख्यालयों के बाईपास पथों के लिए योजना को स्वीकृत करना बाकी है, उसको भी स्वीकृत कीजिए, वो तो करेंगे ही। और अन्य भी जो हमारे नीचे के स्तर पर और भी जो शहर बाजार कुछ भी है उससे हमको बाईपास करना है, तो अगले चरण में तो हम लोग वैसा जरूर कर देंगे। जितना भी बाईपास बनाना है तो हम लोग बाईपास का भी निर्माण कर देंगे, क्योंकि हर जगह सड़क जब बन गया तो उसको और बेहतर करने के लिए हम लोग ये सब काम करेंगे। लेकिन दो चीज़ पर हम लोगों को निश्चित रूप से ध्यान देना है, एक तो मेंटेनेंस पर सड़क का और पुल का, इसके मेंटेनेंस का, और दूसरी बात है जो दुर्घटना होती है। दुर्घटना इसलिए बढ़ी है कि हम लोगों ने सड़क बहुत बना दिया, वाहन का आवागमन ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का बढ़ गया है। तो जिस समय जब सड़क बना उसी समय पता था कि अब दुर्घटनाएं भी होंगी, अब दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए भी काम आपकी तरफ से किया जा रहा है हम लोगों को। और दुर्घटना के बारे में सारा अध्ययन किया जा चुका है, जो हमने कहा 2 साल पहले, हम समझते हैं कि उस तरह से लोगों की सुरक्षा पर, सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आज का कार्यक्रम किया, बहुत योजनाओं का उद्घाटन और बहुत सड़कों का, और जो अब रिंग रोड की बात होगी, आई जो दूसरा सड़क हम बनता है बिहटा सरमेरा, तो बिहटा सरमेरा तभी पूरा नहीं हुआ है, उसका एक हिस्सा ही किया जा रहा है और बिहटा साइड में अभी काम आपका बचा हुआ है, तो ये काम भी आप जल्दी से जल्दी कर ही दीजिएगा। डुमरी से सरमेरा आज पूरा हो गया। अब इसके बारे में खाली आपको बता देते हैं अपर मुख्य सचिव महोदय कि जन प्रतिनिधियों का सब लोगों से बातचीत करके, और उसके बाद आप जान लीजिए कि हम लोगों के जन प्रति जो लोग सामाजिक रूप में जिनकी दिलचस्पी थी, पैदल घूम करके, और उसके बाद हमने आपके सीनियर इंजीनियर्स, उसमें एक तो मेरे हम और वो क्लास फेलो रहे हैं, वो इंजीनियर इन चीफ होकर के रिटायर आपके यहाँ से किए, तो इस सब को भेज करके ये अलाइनमेंट तय हुआ। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम लोग 1.5 साल पहले भी देख ही लिए कि उसके उधर जो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है यहाँ का, लेकिन अब आपका ये डुमरी से इधर की ओर है जो काम होना है, तो अब मेरे ख्याल से अब उस काम में आप लोग उसके लिए तो जगह, जैसा कि आपने बताया है कि चुन लिया है, अब उसमें काम जो है उसका नाम है, जो भी आप उसके अलावे और भी कर रहे हैं, और अंडर पास बनाने वाली बात तो आप साथ ही थे, कहाँ कहाँ नहीं हम लोग गए हैं, तो एक दो जगह अंडर पास बना और कई जगह गांव के लोग रास्ते में खड़े थे, और हम लोगों ने उसी समय कह दिया कि नहीं यहाँ का भी अंडर पास बनना चाहिए, एक्स्ट्रा भी अंडर पास बनना चाहिए। तो ये यूनिक है, ये जो सड़क है, इस सड़क को तो दिखलाना चाहिए बहुत लोगों को,
कई जगहों को दिखला करके किस तरह से आप लोगों ने ये बिहटा सरमेरा, तो खैर बिहटा सरमेरा तो नाम है, बिहटा से तो 5-6 किलोमीटर और नीचे आकर के वहीं से इसको लिंक करना है आपको, तो जो सड़क बन गया हुई दिखलाइएगा किस तरह से, अगर बगर के गांव वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं जा सकते हैं, और किस तरह से लोगों के लिए हम लोगों ने सुविधा कर दिया है कि लोगों को एक तरह से दूसरी तरफ खेती, गांव इधर है और उसकी खेती दूसरी तरफ, तो बड़ा दिक्कत होता उन लोगों को, तो उस तरह से एक एक तरह से ऐसा काम किया गया है कि वो अपना जो भी चीज़ लेना चाहते हैं खेती के लिए, कोई भी सामान लेकर के जाए, उनको किसी तरह का असुविधा न हो। तो यूनिक काम है, अभी दो जगह आप दिखा रहे थे, आप जरूर ये बिहटा सरमेरा वाला बाकी हिस्सा पूरा हो जाए और हम समझते हैं कि उसको दिखलाइए, जितना ये अंडर पास आप बनाए हैं उतना ज़्यादा है कहीं, ये ज़रा दिखवा लीजिए, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, ये आप लोगों की तरफ से हुआ, तो जो जो खास खास चीज़ है उसको भी आप सब तरफ प्रचारित करने की, और बाद में तो आप जान ही रहेंगे उसका एक तो बहुत बड़ा हिस्सा जो सरकार अपना इतना जो रिंग रोड बनने वाला है पटना का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस तरह का आपके रिंग रोड का पार्ट बनेगा, तो और भी हम लोगों ने जितना जमीन का अधिग्रहण किया आप लोगों ने इतना कर दिया कि कोई चिंता ही नहीं है, वो तो इसके अलावे अभी तो 10 मीटर का कराए हैं लेकिन वो तो 8 लेन का बन जाएगा, तो और भी क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, तो और बहुत कुछ होगा, तो अब तक जो किया वो भी और आगे हम लोग जो करने वाले वो भी, जरा इसके बारे में आप लोगों को बहुत मजबूती के साथ रेगुलरली, और ये बता देते हैं, ये खाली पथ निर्माण मंत्री जी बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा, हम बोलेंगे या उप मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो वो काम नहीं चलेगा, ये काम डिपार्टमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट एक एक बात को नीचे के स्तर पर लोगों को बताए ताकि नई पीढ़ी को विकास की सही समझ हो, और बिहार के बारे में जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा है और कितना काम किया, हमारे अभी उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे किस तरह से प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है, क्या था बिहार का भाई 24,000 करोड़ रुपए का भी बजट नहीं था साल का, अब हम लोग 2,00,000 करोड़ रुपए से भी आगे का बजट पहुंचा दिए, तो किस तरह से हम लोगों ने लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है, विकास का काम किया है जिसका लाभ सबको मिले, हम लोग हमेशा कहते हैं न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास और समाज के सब तबके का उत्थान, तो ये जो हम लोगों ने काम किया है और इसको बताइए, कैसे कोई बोलेगा साहब कि नहीं हुआ है कुछ, तो जरा बताइए, तो जितना काम किया गया है सड़क के बारे में और हर चीज के बारे में एक एक चीज बता दीजिए, और कौन सा काम हो रहा भाई, 7 निश्चय में कितना काम हुआ, अभी जल जीवन हरियाली में आप कोई कल्पना कर सकता, हम लोगों का लक्ष्य था, ये कोरोना हो गया उसके चलते इसको जून से ही शुरू कर दिया गया, लेकिन 2,51,00,000 वृक्षारोपण था और लक्ष्य कितना प्राप्त हो गया, 3,47,00,000, आप जरा कल्पना करिए, लेकिन एक एक बात को ठीक ढंग से लोगों के सामने रखिए ताकि जैसा उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हम भी पूर्ण रूप से उनकी भावना से सहमत हैं कि नई पीढ़ी को इन सब बातों की जानकारी देनी चाहिए, तो इतना ही कहते हुए अब कितना देर बोलते रहे, सब बोर होते रहिएगा, तो मैं इतना ही कह के अब अपनी बात समाप्त करता हूँ।